कार्यक्रम 2017 में आए हुए सभी सम्मानित जजेस और इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों का मैं दया अपनी क्वालिटी सर्किट टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए चलते हैं अपनी कंपनी की प्रोफाइल की ओर। हमारी कंपनी का नाम है मिंटा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हमारी कंपनी की स्थापना 2 अप्रैल 2007 को दो यूनिटों के साथ पंतनगर उत्तराखंड में हुई। हमारी कंपनी में 1200 कर्मचारी कार्यरत है। इन 1200 निपुण कर्मचारियों के बीच हमारी कंपनी इन पार्टी सिस्टम और अवार्डों से सुसज्जित है, जैसे ये रही हमारी कंपनी की इम्प्रूवमेंट फिलॉसफी। आज के बढ़ते हुए कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए हम लगातार मुड़ा रहित अपने शॉप फ्लोर में साथियों के साथ 100% काइजन सजेशन और पार्टी सर्किट के माध्यम से निरंतर सुधार करते हैं। और ये हमारा प्रोडक्ट वायरिंग हार्ड है, जिसमें बैटरी द्वारा विद्युत सप्लाई वाहनों के विभिन्न हिस्सों में की जाती है, जैसे एसी, ऑडियो, लैंप इत्यादि। और ये है हमारी पार्टी सर्किट की प्रोफाइल। हमारी पार्टी सर्किट का गठन हुआ था 1 जनवरी 2017 को। हमारी पार्टी सर्किट का नाम है अग्नि वर्किंग एरिया वायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तीसरा हमने अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी 54 समस्याओं की पहचान करी, जो इस तरह का डेटा कलेक्ट किया और देखा पार्ट डैमेज की समस्या सबसे ज्यादा थी। इसके लिए हमने पहले तो डायग्राम बनाया, पार्ट डैमेज की समस्या को पार्ट में विभाजित किया, जिसमें हमने देखा कपड़े डैमेज की समस्या सबसे ज्यादा, कपड़े डैमेज की समस्या को हमने कपड़े में विभाजित किया, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 62 PM CPWP की आ रही थी। उसके बाद हमने इसको कस्टमर वाइज विभाजित किया, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अशोक लेलैंड की ईटीसी वायर हारने से आ रही थी। इसी के आधार पर हमारी टीम ने एक टीम निर्धारित की टू एलिमिनेट द कपड़ा डैमेज प्रॉब्लम इन अशोक लेलैंड वायरिंग हार्नेस। जिस प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए एक सुनियोजित योजना की आवश्यकता होती है, ठीक उस प्रकार हमने अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए 12 हफ्ते का एक्टिविटी चार्ट बनाया। समस्या चयन के पश्चात बारे आ गया समस्या को परिभाषित करने की, यह है हमारा प्रोसेस फ्लो चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने फोर स्टेट में हाईलाइट किया है। जी हां, यह वही फोर स्टेट है जहां हमारी समस्या उत्पन्न हो रही थी। कपलर अपने मानकों के अनुसार कार्य नहीं करता है, उसे कपलर डैमेज कहते हैं। इससे क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इन पे नजर डालते हैं। हमारी मदद से कॉस्ट इंक्रीज होगी और कस्टमर की नजर से ब्रांच की लाइन शॉर्ट होने के कारण ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आएगी, संस्था प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, कस्टमर में असंतोष व्याप्त होगा। समस्या को परिभाषित करने के बाद अब बारी आती है इसके विश्लेषण की, जिसको हमारी टीम ने 5W1HBD द्वारा देखा कि समस्या क्या है, कपलर डैमेज समस्या कहाँ है, इस प्रकार हमारी टीम ने एक लक्ष्य यहाँ निर्धारित किया कि कपड़ा डैमेज की समस्या को मार्च 2017 तक घटाकर 104 से 0 करेंगे। समस्या विश्लेषण के पश्चात अब बारी आती है समस्या के संभावित कारणों को जानने की। इसके लिए हमारी टीम ने एक फिजिकल डायग्राम बनाया, इसे फोरम में विभाजित किया। सभी संभावित कारणों को जानने के बाद अब बारी आती है इनके वैलिडेशन की, जिसमें हमारा पहला पॉसिबल कॉज था फाइनल असेंबली बोर्ड में रॉन्ग जिग का यूज होना, जिसके लिए हमने लाइन में गए चेक किया, देखा कि सभी जिग सही से यूज हो रहे थे। इस तरीके से हमारा पहला पॉसिबल कॉज इनवैलिड था। इसी में हमारा अगला पॉसिबल कॉज था इसके मैट्रिक्स के अनुसार ऑपरेटर का सही से न लगना, जिसके लिए हमने लाइन पर जाकर देखा चेक किया, सभी ऑपरेटर स्क्रीन मैट्रिक्स के अनुसार लगे हुए थे, जिस प्रकार हमारा एक और इनवैलिड रहा। इसी हमारी दूसरी कैटेगरी में आता है, जिसमें हमारा पॉसिबल कॉज था हैंगिंग पिन का स्टोरेज, हैंगिंग पिन का सही से ना होना, जिसके लिए हमने लाइन पर जाकर देखा और चेक किया कि हैंगिंग सही से नहीं होती, जिससे हमारा एक और वैलिड रहा। मेथड में हमारा दूसरा पॉसिबल कॉज था ऑपरेटर द्वारा कपलर के लिए रॉन्ग टूल का यूज होना, जिसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन किया और जाके देखा कि ऑपरेटर द्वारा कपलर के हिसाब से टूल का यूज नहीं हो रहा था, जिससे हमारा वैलिड कॉज निकल करके आया। इसका हमारा अगला पॉसिबल कॉज था टाइपिंग का सही ना होना, इसके लिए हमने लाइन में जाके
इसके लिए हमने रिस्पीक्स ऑफ का इंस्पेक्शन किया, देखा सप्लायर से सही भी ना आ रही थी, इस तरीके से हमारा कॉल इनवैलिड रहा। इसी में हमारी अगली कैटेगरी है मशीन, जिसमें हमारा पॉसिबल कॉज का सीकेटी बोर्ड पर लगे मैटिंग पार्ट का डिजाइन कपलर के अनुसार से ना होना, जिसके लिए हमने सीकेटी बोर्ड पर जाकर कपलर की फिटमेंट को चेक किया, देखा फिटमेंट सही तरीके से हो रही थी, इस प्रकार हमारा कॉल इनवैलिड रहा। प्रोजेक्ट के
मिस्टर सुनील सिंह जी पी से, मिस्टर नवीन कुमार जी क्वालिटी से, मिस्टर डीडी मिश्रा जी प्रोडक्शन से और हमारा टॉप मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं क्वालिटी सर्किल एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए यह रहा हमारा फ्यूचर प्लान। अंत में हम आप सभी साथियों तक यही संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, धुआं मंजिल पे लड़खड़ाया नहीं करते, धन्यवाद। आपके क्वेश्चन। थैंक यू, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। क्विक राउंड।